नमस्कार, मैं राहुल तिवारी और स्वागत करता हूं आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया से संन्यास लेने का खुलासा आखिरकार कर ही दिया है। पीएम ने सोमवार को एक ट्वीट कर कहा था कि वह सोशल मीडिया छोड़ने का सोच रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अन्य ट्वीट करके इसके पीछे का कारण भी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि वह महिला दिवस के दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को देना चाहते हैं। अब पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि 28 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर वह अपना अकाउंट महिलाओं को देंगे जिसका जीवन हमें प्रेरित करता हो। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को सस्पेंस में डाल रखा था कि क्या नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर अलविदा के ऐलान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो चुके हैं। मंगलवार को हुई संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हिंसा का सीधा जिक्र किए बिना कहा कि देश में शांति और एकता जरूरी है। मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपना नारा भी दोहराया कि सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी जरूरी है। आगे उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि उनके लिए पहले देश है फिर दल। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब उनके सोशल मीडिया छोड़ने की खबर हर जगह छाई हुई है। मोदी ने सोमवार रात यह ऐलान किया कि रविवार से वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाना छोड़ देंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने मीटिंग में आगे कहा, देश सर्वोपरि है, विकास बीजेपी का मूल मंत्र है और इसके लिए शांति, एकता और सद्भाव जरूरी है। यह रखते हुए विकास को आगे ले जाया जा सकता है। मीटिंग से बाहर आके केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मोदी ने सांसदों से सख्त लहजे में यह भी कहा है कि सिर्फ बोलना नहीं है, हर सांसद को शांति एवं एकता और सद्भावना में लीड करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज की तरह देश हित और दल हित तब भी मामला आया था, तब वंदे मातरम को भी इनकार किया गया था। दिल्ली में फैली हिंसा के बाद 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पर कुछ कहा। करीब 69 घंटे के बाद इस ट्वीट की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा भी गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में जो हालात हैं इस पर विस्तृत समीक्षा की गई है। पुलिस और अन्य एजेंसियां शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैं सभी बहनों और भाइयों से यह अपील करता हूं कि शांति और भाईचारे बनाए रखें, जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए यह जरूरी है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।